हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। और देखिए फ्रेंड, सुबह सुबह उठकर हम लग गए हैं काम पर। आप सब भी लग जाते होंगे इसी तरह से घर में काम पर, क्योंकि लेडीज़ तो सब इसी तरह से सुबह उठकर अपने काम पर लग जाती हैं। और सबसे पहले मैंने कुछ बर्तन थे और किचन में थोड़ा सा गर्दा सा हो गया था, पहले किचन की सफाई कर ली थी थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि इसके बाद फिर खाना बना लेते हैं हम अच्छी तरह से। कानस साफ़ हो जाती है ना, और फिर खाना बनाने में बहुत आसानी होती है। वो सुबह सुबह उठकर मैंने कर दी थी अपने किचन की सफाई और बर्तन को भी कर दिया था साफ़। बच्चे चले गए थे स्कूल में और आज मैंने सोचा चल थोड़ा थोड़ा सफाई कर लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि देखो कितनी भी सफाई कर लो फ्रेंड, लेकिन फिर भी हर रोज़ धूल मिट्टी ये सब ना घर में उड़ती रहती है। वैसे भी बंद तो घर है नहीं, हमारा खुला ही घर है, बहुत सारी धूल आती रहती है फ्रेंड। और किचन को कितना ही साफ़ कर लो हर रोज़, फिर भी ऐसा ही रहता है कि साफ़ किया ही नहीं होगा। और फिर किचन करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में, और इधर हमारे घर में ना फ्रेंड बहुत सारी सीलन आई हुई है। पता नहीं सुबह सुबह जिस वक्त हम झाड़ू लगाते हैं ना, उस वक्त बहुत सारी सीलन फर्श के नीचे से सफ़ेद सफ़ेद सी उतरती है। कितना भी साफ़ कर लो बिल्कुल साफ़ ही नहीं लगता है। सर्दियों में, गर्मियों भी ऐसे ही रहता है फ्रेंड, सर्दियों में तो रहता ही है, ऐसा ही हो जाता है। और फिर मैंने अपने कमरे की कर दी थी सफाई, और फिर ये कर ली थी बरामदे की सफाई। और फ्रेंड इतने ज़्यादा सिलाई की वजह से ना मुझसे सफाई भी अच्छी तरह नहीं हो रही है, फिर बाद में कर लूँगी मैंने सोचा। अभी तो मैं सिर्फ सामने सामने से ही अपना घर का काम कर लेती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि त्योहारों का सीज़न आया हुआ है, और सबसे बड़ा त्यौहार तो करवा चौथ होता है और अहोई अष्टमी माता का भी होता है। इन सब में इतने ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने अपने जो पिछली तरफ हमारा घर का आंगन है ना फ्रेंड, ये वो है, देखो यहाँ की वीडियो दिखा रही हूँ, जहाँ पर मैंने छोटे छोटे से बेल लगाई हुई हैं देखो। और मेरा कैमरा ना फ्रेंड गिर गया था, ये फ़ोन ना एकदम से स्टैंड से नीचे, मेरा स्टैंड भी टूट गया था, फिर मैंने उसे जोड़ लिया था फ्रेंड। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी की सफाई कर दी।